Hello kids, welcome back. This is your mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwinds Class 7 by Brain Rule. So today we are doing Chapter 8, Comparing Quantities. So now, getting ready. The labeling on a pack of medicine or syrup helps a medical professional to find the doses of medication per tablet. जब हम कोई मेडिसिन परचेज करते हैं या सिरप परचेज करते हैं तो उस पर सब कुछ मेंशन होता है, किस एमजी में है या कितनी उसकी डोज है. सो और पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज पेशेंट्स ऑफन नीड टू लिमिट देयर डोजेस इन टेक. नोट दैट ईच लेबल यूजेस अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इंडिकेटिंग अ रेशियो, जैसे मिलीग्राम स्लैश मिलीमीटर या एमजी स्लैश एमसीजी लाइक दिस. So look at the label indicating a ratio. Every 5 milliliter of medicine contains 250 milligram of valproic acid. मतलब ऐसे कोई आप कोई भी आप स्ट्रिप उठा लेंगे उस पर मेंशन होता है सब कुछ, राइट. सो गिव 3 एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ वेयर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड. कोई ऐसे एग्जांपल आप सोचो जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम यूज करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद रेशियो. रेशियो होता क्या है? रेशियो इज अ न्यूमेरिकल रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर ऑफ द सेम काइंड. दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स एंड द नंबर्स विच फॉर्म द रेशियो आर कॉल्ड द टर्म्स. फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट देयर आर 3 लायंस फॉर एवरी 5 डियर इन अ फॉरेस्ट. ओके, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ लायन टू डियर इज 3:5. और यू कैन राइट 3:5. It doesn't necessarily mean that there are only 3 lions and 5 deer in the forest, but it does mean that for every group of 3 lions, there is corresponding group of 5 deer. Ratio से हम comparison करते हैं, कोई भी चीज़ हमें compare करनी है तो ratio की हम help लेते हैं. इसमें हम 2 terms use करते हैं, right? और इसका जो symbol है हम ऐसे लगाते हैं, 2 dots, colon. 3:5 है और आप इसको 3/5 भी लिख सकते हैं, राइट. सो अभी आप आगे पढ़ेंगे. नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो, एवरी रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन एज आई टोल्ड यू, एंड इट इज रिड्यूसिबल टू द लोएस्ट टर्म. और इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे 12:30 है तो 12/30 लिख दिया. अभी दोनों नंबर 6 से कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर इज 2/5. नाउ बी श्योर ओनली सिमिलर थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड, दैट इज मार्क्स टू मार्क्स, वेट टू वेट, लेंथ टू लेंथ, एरिया टू एरिया. हमने जब भी कंपैरिजन करना है दो चीज़ों के बीच में तो हम सेम यूनिट्स कंपेयर करेंगे. अब ये नहीं हम 2 kg मिल्क को 2 किलोमीटर डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं. ओके, यूनिट्स मस्ट बी सेम, राइट. एंड रेशियो हैज नो यूनिट. रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता. नाउ एग्जांपल्स, एग्जांपल 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 8 hours टू 1 day. अब आप देखो यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे डे है. पहले तो हम इसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेज को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में. 1 day इक्वल्स टू 24 hours, सो 8:24. रेशियो हैज नो यूनिट बिकॉज आवर आवर कैंसिल हो गए, जैसे 8 hours upon 24 hours. सो कैंसिल, सो 8/24 यानी 1/3 यानी 1:3. एग्जाम्पल 2, तान्या हैज 14 चॉकलेट्स, शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4 अमंग हर 2 ब्रदर्स, फाइंड द शेयर ऑफ ईच ब्रदर. अब उसके पास टोटल 14 है और वो कैसे डिवाइड करना चाहती है 3:4 में. ओके, तो हम क्या करेंगे, रेशियो 3:4 है, हम सम ले लेंगे, 3+4, 7. ओके, तो 1 brother इज गेटिंग 3 out of 7. 7 parts में से 1 को 3 मिल रहा है, यानी 3/7 हो गया. और टोटल कितने हैं 14, तो हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आंसर इज 6 chocolates. और सेकेंड को कितना मिलेगा, 4/7 into 14 यानी 8 chocolates.
तो जब भी आपको कोई भी चीज़ डिवाइड करनी है इन अ गिवन रेशियो, आपको लेना पड़ेगा सम ऑफ रेशियो, राइट। अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन क्या होता है? सो व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, हाउ वी कैन राइट इट लाइक ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, यानी ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए डी को हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो बीच की टर्म्स हैं उनको हम बोल देंगे मीन्स, और जो लेफ्ट और राइट पे हैं दीज आर एक्सट्रीम्स। सो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट इज व्हेन द थ्री टर्म्स ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन में हमें फोर टर्म्स चाहिए, और अब इसमें हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, तो हम फोर्थ टर्म कहाँ से लाएंगे? हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को टू टाइम यूज कर लेंगे, यानी हम क्या लेंगे, ए रेशो बी, बी रेशो सी। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और बी को हम क्या बोलेंगे, बी इज द मीन प्रपोर्शन एंड सी इज द थर्ड प्रपोर्शन। सो कीप इन माइंड व्हेन थ्री टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है उसे हमें रिपीट करना है, यानी ए रेशो बी एंड बी रेशो सी बोथ आर सेम, और इससे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। सो बी इज द मेन प्रपोर्शन एंड सी इज द थर्ड प्रपोर्शन। नाउ बी श्योर अ प्रपोर्शन कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3/5 इक्वल्स टू 12/50, एज टू इक्विवेलेंट रेशियो, 3:5 इक्वल्स टू 12:20, और एज इन प्रपोर्शन विद द प्रपोर्शन साइन। ओके, सो दीज थ्री वेज आर डिफरेंट बट दीज आर सेम। सो हेयर ईच नंबर इज कॉल्ड द टर्म, दैट इज देर आर फोर टर्म्स इन अ प्रपोर्शन, और यू कैन सी here like 3 is the first term, 5th is the second, as I told you this is the third, this is the fourth, second or third क्या बना देंगे means, और जो end में है वो क्या बना देंगे extremes। okay, अब हमें check करना है कि two ratio proportion में है या नहीं है, तो हमने simply क्या करना है, product of means निकालना है और product of extremes। if both are equal they are in proportion, if they are not equal they are not in proportion, right। I hope it's clear to you। ab hum kya karte hain, hamare paas suppose ek example hai, isme kya hai, four terms hai jisme ek missing hai, to hum missing term find kar sakte hain। it is given these are in proportion, yani a upon 28 equals to 3/7, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ए इज व्हाट, यहाँ से कट कर लेंगे, 7 4 जा, सो ए इज 12। तो आप मिसिंग टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। नाउ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, एज आई टोल्ड यू व्हेन द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन आर द सेम नंबर वी कॉल इट अ कंटिन्यूड प्रपोर्शन। एज आई टोल्ड यू जब थ्री टर्म्स कहेंगे कंटिन्यूड में है, तो जो सेकेंड है वो थर्ड टर्म भी बन जाएगी, राइट। लाइक ए बी एंड सी थ्री टर्म्स है, तो हम क्या ले लेंगे उसको, ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। सो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है लाइक 7:28 प्रपोर्शन 28:112, सो लाइक दिस। नाउ एग्जाम्पल 3, जावेद परचेज 12 पेंस फॉर ₹96। इफ ही वॉन्ट्स टू बाई 20 पेंस फॉर द सेम प्राइस, हाउ मच डज ही हैव टू पे। 12 पेंस की कॉस्ट कितनी है, 96, हमें निकालनी है 20 पेंस की। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखो थ्री टर्म्स तो हमें गिवन है, 12, 96 एंड 20, एक मिसिंग है, तो इसमें भी हम प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे। हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ पेंस यानी 12:20 एंड
रेशियो ऑफ मनी, एक साइड हम ले लेंगे रेशियो ऑफ पेंस और एक साइड हम ले लेंगे रेशियो ऑफ मनी. 12 पेंस की कॉस्ट कितनी है 96 और 20 पेंस की कॉस्ट कितनी है वी डोंट नो. एक साइड हमने लिया मनी और एक साइड हमने लिया पेंस, तो 12:20 96:x, तो हमने इसमें इक्वल टू साइन लगा दिया राइट. और यहाँ से हम क्या करेंगे फाइंड एक्स. सो यू नो 12x = 20 × 96, तो एक्स क्या आ जाएगा आपका 20 × 96/12, यू कैन कैंसिल इट, आंसर इज 160. नाउ सम कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स. The ratio of two quantities in the same unit is a fraction that one quantity is of the other. The ratio has no unit. An equality relation between two ratio is called the proportion. In a proportion, the product of extreme is equal to product of means or middle terms. And if A ratio B equal to B ratio C, then B square equals to AC. So now we are doing exercise 8.1. Question number 1, find the ratio of the following. Like here H part, 160 centimeter to 1 meter. जब भी हमें ratio find करनी है, हमने क्या करना है? Units को देखना है. अब centimeter और meter, these are different, तो हम क्या करेंगे? Meter को change कर देंगे centimeter में. यानी 160 centimeter is to 100 सेंटीमीटर. तो ये क्या आएगा 160/100, कट कर दो 8:5. ओके ऐसे ही आप देखो सेकेंड क्वेश्चन है, मिस्टर कश्यप डिवाइड द सम ऑफ ₹1200 एज गिफ्ट फॉर हिज टू सन्स इन द रेशियो 5:3. हाउ मच डज ईच चाइल्ड गेट. अब एज आई टोल्ड यू किसी भी सम को हमें किसी रेशियो में डिवाइड करना है तो हम क्या लेंगे सम ऑफ रेशियो. तो सम ऑफ रेशियो क्या आएगा 8. 8 में से 5 वन चाइल्ड इज गेटिंग, तो 5 out of 8, सो हिज शेयर इज 5/8 × 1200. आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 150. सो 150 × 5 दैट इज ₹750. ऐसे हम सेकेंड चाइल्ड का फाइंड कर लेंगे. ओके नाउ लाइक फिफ्थ क्वेश्चन, विच रेशियो इज ग्रेटर. आपको कंपेयर कैसे करना है रेशियो को. लाइक बी पार्ट हेयर 4/5 and 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 6, 5 × 5, सो 24, 25. सो विच वन इज बिगर, 25 is bigger, so second ratio is bigger. Now like sixth question, find x. जैसे a part है हमारे पास 4/x = 20/35, cross multiply, तो x × 20, 4 × 35. तो x find करेंगे कैसे, 4 × 35/20, तो 4 5s are 5 7s are, so answer is 7. Okay, I hope this is clear to you. So now we are doing 10th question. 50 kg of sweets can be served to 200 people. How much sweet is required for 700 people? 50 kg हम 200 people में distribute करते हैं, तो हमें 700 people के लिए how much is required? तो आप कैसे करेंगे, इसमें 3 थिंग्स हैं 50, 200 and 700. तो हम रेशियो ऑफ स्वीट्स एंड रेशियो ऑफ पीपल, तो 50 केजी जो है वो कितने लोगों के लिए है 200. तो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग हम 200 लिख देंगे. और हमें ये नहीं पता कि हमें कितना लेना है x केजी फॉर 700, तो हमने उसे x एज्यूम कर लिया. Now you can find x from here. You know 3 terms, you can find the 4th one. So 50/x = 200/700. So what is x? X is
like 2 into x, 50 into 7. So x is 50 into 7 upon 2, 25 into 7. So you can find the answer. Okay, I hope this is clear to you. You can try remaining parts. Now we are coming to unitary method. The method of finding the value of one unit from the value of the given numbers of items and using it to find the value of required number of items is called the unitary method. अगर हमें suppose cost of 20 pens given है, तो हम cost of one pen find कर सकते हैं. और अगर हमें cost of 15 pens find करना है, तो वो भी हम find कर सकते हैं. By which method? By this method. Look at the example. If the cost of 5 pens is rupees 20, then what will be the cost of 18 pens? तो हमारे पास ये first statement है कि 5 pens की cost क्या है? 20 rupees. ओके तो आप कॉस्ट ऑफ वन पेन कैसे फाइंड करेंगे? ऑफ कोर्स इट वुड बी लेस, कम होगी. तो कम के लिए हम क्या करेंगे? 20 डिवाइड बाय 5 यानी रुपीस 4. अब हमें 18 पेन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वो ज्यादा होगी वन पेन से, यानी ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो 18 इंटू 4 दैट इज 72. Okay, so here we have found the value of one pen first and then the value of 18 pens. So you may also observe here, if the number of pen increases, the cost also increases. Similarly, when the quantity of pen decreases, the cost also decreases. Agar number of pens jyada honge, to hume jyada pay karna padega. Okay, agar number of pens kam honge, to hume kam pay karna padega. Right means one thing is increasing, automatically other is also increasing, right? And if one is decreasing, other is also decreasing, means they are going in the same way. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Direct variation, direct proportion, right? So let us solve some problems based on it now. कुछ problems हम solve करते हैं, it would be more clear to us. Like example one, Mrs. Bhati earns rupees 7500 per 15 days of work. How much will she earn if she works for 28 days? Mrs. Bhati jo hai, wo 15 days mein 7500 rupees earn karti hai. To wo 28 days mein kitna earn karenge? So, jo bhi hume amount, like amount find karna hai, to amount would be on the right side. So amount earned in 15 days, 7500. और amount earned in one day में ज़्यादा होगा कम होगा? Of course कम होगा. कम के लिए division, 7500 divide by 15. आप यहाँ पे भी cancel कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, right? Now amount earned in 28 days, 28 days में ज़्यादा earning होगी, तो उसके लिए multiply by 28. तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे. 15 5 जा 75, सो 500 इंटू 28, दिस इज द आंसर 14,000. नाउ एग्जांपल 2, अशोक ड्राइव हिज कार एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 800 मीटर इन 12 मिनट्स. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 आवर? तो 12 मिनट्स के में डिस्टेंस गिवन है और हमें 1 आवर की फाइंड करनी है. सो दिस इज 10 किलोमीटर 800 मीटर. तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. यू नो वेरी वेल 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. सो 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 प्लस 800, 10,800 मीटर. सो 12 मिनट्स में डिस्टेंस हमारी इतनी कवर हुई. 1 मिनट में कितनी होगी? डिस्टेंस डिवाइड बाय 12. और 1 आवर का मतलब क्या है? 60 मिनट्स. बिकॉज हमें टाइम यहाँ मिनट्स में गिवन है, तो इट्स बेटर हम 1 आवर को चेंज कर दें मिनट्स में. तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स. तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 60. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, योर आंसर इज इन मीटर, 54,000 मीटर. आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 54 किलोमीटर. I hope this is clear to you.
Now, concept highlights. When two quantities are so related that an increase or decrease in one implies a corresponding properties increase or decrease in the other, then we say that the two quantities are in direct variation. As I told you, agar ek cheez increase ho rahi hai, second is also increasing. Suppose aapne koi distance cover karni hai, to uske liye you need more fuel, more petrol chahiye hoga gaadi mein. So more distance, more petrol. Less distance, less petrol. To dono kya ja rahe hain? Same variation mein. That means they are in direct variation. Okay, and when two quantities are so related that an increase or decrease in one implies a corresponding decrease or increase in another, then the two are said to be in inverse. Ek hota hai direct, jab dono ya to increase ho rahe ho ya dono decrease ho rahe ho. But inverse mein kya hoga? Ek increase hoga, to second is decrease. That is the inverse. Suppose aapki car ki speed jyada hai, so it will take less time to cover a certain distance. Speed more, time less. Speed less, time jyada, time more. To kya ho raha hai? Agar speed jyada ho rahi hai to time kam lag raha hai hame, lekin agar speed kam ho jayegi to time jyada lagega. To usse kya ho raha hai? Ek cheez increase hai to second is decreasing. So that is, they are going in opposite. So it means that is the inverse variation. I hope this point is clear to you. Now, exercise 8.2, some question we are doing. Like here, first question, 50 kg of rice cost ₹1,650. Find the quantity of rice that can be purchased in ₹4,125. Now, we find karna hai quantity. So, quantity aayegi hamari right side pe. So, in rupees, 1650 में हम कितने क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं? 50 kg. 1 रुपी में कम करेंगे यानी 50 अपॉन 1650 जो राइट साइड पे टर्म होगी उसको ऊपर लेना है. ओके, सम टाइम चिल्ड्रन दे डू द मिस्टेक, वो क्या सोचते हैं कि ये बड़ा नंबर है तो इसको ऊपर रख दे, बट दिस इज रॉन्ग. जो राइट साइड पे वो ऊपर आएगा, जो लेफ्ट साइड पे वो नीचे आएगा. So 15 upon 1650, then cost of, then in rupees 4125, we can purchase 50 upon 1650 into 4125. So you can do this one. Okay. I hope this is clear to you. Now fourth question, 10 packets of tea leaves weigh 35 kg. What will be the weight of 53 such packets? 10 packets ka weight hume de rakha hai, hume find karna hai 53 packets ka weight. So weight will be on right side. So weight of 10 packets, that is 35 kg. Ek packet ka weight kitna hoga? 35 upon 10. Aur 53 ka kitna hoga? 35 upon 10 into 53. So you can calculate it. So like this you can try remaining parts. Now some subject integration question given. You can try this one on your own. Now we are talking about percentage and their application. Aapne suna hoga apni life mein percentage. Hum apne practical life mein use karte hain. Percentage word. Percent like 50% off, 20% discount and 100% marks. So these are what? These are percentage. So percent means for every 100 or out of 100 or per 100. The word percent is abbreviated from the Latin word percentum, which means per 100, on 100 or 100th. It is denoted by this symbol, percentage. Okay, percent out of 100. So let us consider an example. Suraj got 75% marks in mathematics. It means he got 75 marks out of 100. Okay, now be sure percentage can be converted into ratio,
fraction, decimals and vice versa. And percentage can also be used to compare two or more quantities. जैसे हम ratio को use करते हैं comparison के लिए, ऐसे ही हम percentage को भी use करते हैं comparison के लिए. Now to convert a ratio into a percent, किसी ratio को percentage में convert करना, तो कैसे करेंगे? Suppose example 1 given over here, express the ratio 1:5 into percent. Okay? So you have to keep in mind, अगर हमें percent में लाना है तो हमें multiply by 100 कर दो, simple. Okay? तो 1/5 into 100, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा? 1/5 into 100, that is 20. यानी 20%. इन्होंने कैसे किया एक्चुअली, व्हाट दे डिड, इन्होंने यहाँ पे 1/5 लिखा और हमें आउट ऑफ 100 है, परसेंट का मीन क्या है, आउट ऑफ 100, तो हमने नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो रूल है ऊपर भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने इस 100 को एज इट इज रखा, इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 20/100 यानी 20%. ओके, तो आप सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100. तो आंसर इज 20%. राइट, नाउ टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू रेशियो, अब परसेंटेज गिवन है उसको रेशियो में लाना है. अगर परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, अगर हमें परसेंट साइन लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर उसको रिमूव करना है तो डिवाइड बाय 100. अब आपके पास क्या है, 20% है, तो 20% क्या बन जाएगा, 20 out of 100, 20/100, रिमूव परसेंटेज साइन. नाउ कट इट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1:5. ऐसे बी पार्ट है, 8 whole 1/3% मीन्स 25/3%, रिमूव परसेंट यानी 100 आ जाएगा नीचे. अब आप इसे कट कर सकते हैं, 25 4s are, ओके, दैट इज 1/12, 1:12. अब नेक्स्ट है 0.4%. पहले हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा. अब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो एक और 0 यानी 10 आ जाएगा नीचे. अब आप कट कर सकते हैं इसे, सो 1/250 यानी 1:250. आई होप दीज क्वेश्चन आर क्लियर टू यू. Now to convert a percent into a fraction, example 3, express the following percent into a fraction. As I told you, जब हमें percentage remove करना है तो divide by 100. तो 15% यानी 15/100 आप कट कर देंगे 5 से, 3/20. ओके, ऐसे 0.5% है यानी 0.5/100, अब डेसिमल रिमूव कर दो, 100 into 10 कट कर दो, तो आंसर इज 1/200. ओके, ऐसे आपका क्या है, 27 whole 1/2% यानी 55/2%, रिमूव परसेंटेज, नीचे 100 आ जाएगा, कट द नंबर्स, वी आर गेटिंग 11/40. आई होप दीज आर क्लियर टू यू, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. नाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज, अभी हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन किया था, नाउ फ्रैक्शन टू परसेंटेज. नाउ एग्जांपल 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट, 3/20, ए पार्ट 3/20. तो जब भी हमें परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 3/20 into 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15%. 1/200 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, दैट इज 1/2 or 0.5%. 11/40 है, इंटू 100 कर दो, कट इट बाय 2, तो 55/2 or 27 whole 1/2%. ओके, दीज आर वेरी सिंपल, बस आपको याद रखना है, परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज रिमूव करना है देन डिवाइड बाय 100.
नाउ टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ डेसिमल, अब हमें डेसिमल में आंसर करना है, लाइक एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल, 7%, 7% 7/100 कर देंगे और डेसिमल लगा देंगे फिर हम 0.07, बिकॉज नीचे 100 है तो डेसिमल आएगा बिफोर टू डिजिट्स. ओके, नाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंट, एग्जाम्पल 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ परसेंट, 0.07 है तो इसका आप डेसिमल रिमूव करेंगे 7/100. ओके, सो 7/100 मीन्स दैट इज 7%. ओके, नाउ और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.07 इनटू 100 परसेंटेज में लाना है तो यहां पे हम हटाएंगे इसको तो आंसर इज 7%. राइट, नाउ एग्जांपल 7, फाइंड ए पार्ट 2.5% ऑफ 50 kg. तो 2.5% हमें क्या करना है, पहले परसेंटेज को रिमूव करना है. तो जब भी हम परसेंटेज साइन रिमूव करते हैं हम नीचे क्या लगा दे देते हैं 100. तो 2.5 अपॉन 100 ऑफ 50 kg, तो ये क्या आएगा आपके पास 2.5 अपॉन 100 इंटू 50. ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई. अब इसका डेसिमल हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा 10. अब आप कट कर दो, 25 × 4 = 100, 5/4 यानी 1.25 kg. नाउ लुक एट बी पार्ट, 16 whole 2/3% ऑफ ₹240. इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, ये क्या आएगा 50/3% ऑफ 240. नाउ रिमूव परसेंटेज, 50/3 × 240/100. अब आप जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो कैंसिल, 3 8s are 8 × 5, आंसर इज ₹40. सो वेरी इजी, जो भी देखो यूनिट्स जो होगा आपने उसके अकॉर्डिंग देना है, लाइक 50 केजी में है तो आंसर इज 1.25 kg, दिस क्वेश्चन इज इन रुपीस तो आंसर इज ₹40. नाउ बी श्योर टू फाइंड सर्टेन परसेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, वी मल्टीप्लाई द गिवन परसेंट विद द क्वांटिटी एंड सिंपली फाइंड. नाउ एग्जाम्पल 8, What percent of ₹200 is ₹55? 55 200 रुपीज़ का कितना परसेंट है, यानी हमें परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और 55 आउट ऑफ 200. सो 55 अपॉन 200 जो टोटल है वो नीचे आ जाएगा, तो 55 by 200 × 100, 20 कैंसिल, 55/2 यानी 27.5%. नाउ बी पार्ट, 150 marks इज 48, 150 का कितना परसेंट है, तो 48 out of 150 × 100, कट कर देंगे नंबर्स को, लाइक 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 and 48, 16 × 2 = 32%. Now be sure to find what percent the first number is of second. We divide the first number by the second number and multiply by 100. अभी हम क्वेश्चन करेंगे, it would be more clear. Example 9, find a number whose 8% is 50. अब एक नंबर है जिसका 8% 50 बनता है. We don't know that number, we have to find. So let the number be x. हम उसे मान लेंगे x. यानी 8% of x equals to 50. ये बन जाएगी equation. 8% का मतलब क्या है? 8 upon 100 of का मतलब multiply x equals to 50. तो यहाँ से आप x solve कर लेंगे. X equals to 50 × 100/8. We can cancel the number. Answer is 625. Okay, I hope this is clear to you. Now, concept highlight.
Percent is a fraction with 100 as its denominator. All fraction, ratio and decimal can be expressed as percentage and vice versa. To convert a fraction into percentage, multiply fraction by 100. To convert a ratio into percentage, write it as a fraction and then multiply by 100. To convert a decimal into percentage, the decimal point is shifted two places to the right. And next is to convert a percentage into a fraction, the percent sign is dropped and 100 is placed as the denominator. And the next is to convert a percentage into a decimal, the percent sign is dropped and the decimal point is shifted two places to the left. Okay, we have done such type of question. Now we are coming to exercise 8.3, question number 1. Like express each of the following as a fraction. तो हमें fraction में लाना है, percentage given है, तो कैसे करेंगे हम? जैसे D part है 0.5%, तो 0.5 upon 100. पहले हमने percentage sign remove किया, now decimal को remove कर दो, तो नीचे 10 आ जाएगा, cut कर दो, ये क्या आ जाएगा? 1/200. Okay, now the second one, express each of the following fraction or mixed number into percent. Now we have to put percentage in percentage. Like F part is 7/15 into 100. When percentage to put percentage, multiply by 100. So 5 se cut kar do. Now not possible. So 140/3%. Aap isko mixed mein change kar sakte hain. Okay. Now the third one, express each of the following as a ratio in the simplest form. Hame kya karna hai? Ratio ki form mein express karna hai. Like B part, aapke paas kya hai? 25/4%. Remove percentage, kya aa jayega? 25/4, niche 100 aa jayega. Cut kar do. 1/16. So answer is 1:16. Okay, easy. Now the fourth one, express each of the following ratio as a percent. Ab ratio given hai, percentage mein convert karna hai. Jaise ye hai 25/75. Percent lana hai to multiply by 100 kar do. 25 3 75, to 100/3%. और आप इसको लिख सकते हैं 33 whole 1/3%. ओके, सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच एज अ डेसिमल. परसेंटेज गिवन है, उसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है. जैसे आपके पास क्या है? 5/4% है, तो 5/4 नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि हम परसेंटेज रिमूव कर रहे हैं. ओके, तो आपके पास ये क्या आएगा? 5/400. तो इसे आप डेसिमल में चेंज कर देंगे. ओके, सो लाइक दिस यू कैन ट्राई रिमेनिंग पार्ट्स. नाउ द सिक्स्थ वन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ परसेंट. अब परसेंट में कन्वर्ट करना है. लाइक बी पार्ट 2.35, तो 2.35 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा? 235%. Now seventh question, find the value. Like 0.5% of 250 kilometer, तो 0.5% is remove करेंगे, नीचे 100 of multiply 250. अब decimal हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, 0 0 cut कर दो. Okay, तो 5/4 kilometer. ऐसे आप values फाइंड कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लाइक एट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग. लाइक 160 मीटर ऑफ 5 किलोमीटर. 160 मीटर 5 किलोमीटर का कितने परसेंट है? पहले तो हमें यूनिट्स को सेम बनाना है. यानी 160 मीटर ऑफ 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर. ओके, मीटर मीटर कैंसिल.
तो 160 आउट ऑफ 5000 हमें परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, जीरोस कैंसिल कर दो, 16/5%। ओके, ऐसे आप रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, लाइक 10th, फाइंड द नंबर हुज 3 होल 1/4% इज 13। तो लेट द नंबर बी x, सो 3 होल 1/4% ऑफ x इक्वल टू 13, यानी 13/4% ऑफ x इक्वल्स टू 13। अब परसेंटेज रिमूव करो, तो 13/4, 100 नीचे, यहाँ पे x, नाउ यू कैन फाइंड x, ओके, दैट इज 400। ओके, सो लाइक दिस यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइन। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज, अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो सम फॉर्मूला फॉर इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, हमारे पास कुछ फॉर्मूला है लाइक इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज जितना इंक्रीज वैल्यू में हो रहा है अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, और अगर हमें डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है तो डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं एंड देन यू कैन अप्लाई। नाउ एग्जांपल 1, अ मैन स्पेंड्स 85% ऑफ हिज मंथली सैलरी, इफ ही सेव्स रुपीज 450 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। सो आपको गिवन क्या है, ही स्पेंड 85% ऑफ द सैलरी और इतनी सेविंग है 450। तो हम मान लेते हैं लेट द सैलरी बी 100 रुपीज, देन ही स्पेंड्स 85, तो सेविंग कितनी होगी, 15 रुपीज। ओके, सो इफ सेविंग इज 15 देन द सैलरी इज 100, सो इफ सेविंग इज 1 देन द सैलरी इज 100/15, एंड इफ सेविंग इज 450 देन 100/15 इनटू 450 हम कट कर देंगे, आंसर इज 3000। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ एग्जाम्पल 2, अमित गॉट 70% मार्क्स आउट ऑफ 500, हाउ मेनी मोर मार्क्स आर नीडेड टू सिक्योर 90%। अमित के मार्क्स आए हैं 70% और उसे कितने ज़्यादा मार्क्स चाहिए सो दैट हिज परसेंटेज बिकम्स 90%। सो फर्स्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित 70% ऑफ 500, यानी 350 मार्क्स आए हैं, और 90% चाहिए, तो 90% के लिए कितने मार्क्स बनते हैं, तो हम फाइंड कर लेंगे 90% ऑफ 500 यानी 450, यानी हाउ मच ही नीड्स मोर, कितने और चाहिए डिफरेंस, दैट इज 100, 450 माइनस 350, 100 मार्क्स मोर टू सिक्योर 90%। ओके, द नेक्स्ट इज एग्जांपल 3, द प्राइस ऑफ अ सेल फोन रिड्यूस फ्रॉम ₹3500 टू ₹3100, व्हाट परसेंटेज इज द डिक्रीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्राइस। एज आई टोल्ड यू डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालना है, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो पहले वैल्यू थी 3500, अब है 3100, कितनी कम हो गई, देयर डिफरेंस 400, सो डिक्रीज इन वैल्यू 400 अपॉन ओरिजिनल 3500 इनटू 100 कट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, राइट। ओके, नाउ एग्जांपल 4, इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 80% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड एंड 60 फेल्ड। 80% पास हुए और 60 फेल हो गए, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर, टोटल कितने कैंडिडेट्स थे। तो लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बी x, पास परसेंटेज 80, हमें एक्चुअली परसेंटेज तो पास के गिवन है और नंबर हमें फेल्ड स्टूडेंट्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो 80% पास है यानी फेल कितने हैं, 20%, 100 माइनस 80, तो 20% ऑफ x इक्वल्स टू 60। अब हम इक्वेशन बना लेंगे कि टोटल का 20% फेल है, दैट इज इक्वल टू 60,
So 20 upon 100 into x equal to 60, we can find x, yani 300 students appeared for the examination. Okay, now example 5. In a clearance sale, a cloth merchant reduced the price by 14%. If the reduced price of the shirt is ₹245.10, find its original price. तो कह रहे सेल लगी है, सेल में प्राइस कितनी कम हो गई, 14% कम हो गई. और अगर रिड्यूस प्राइस हमें पता है तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी. तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस इज 100. ओके, रिडक्शन कितना हुआ, 14 रुपीज़, यानी रिड्यूस प्राइस कितना बना, 86. ओके, तो अब हम इक्वेशन लगा देंगे. इफ reduced price is 86, then original is 100. और अगर 1 है तो 100 by 86. और अगर reduced price 245.10 है तो actual price 100 by 86 into 245.10. Then we can cancel the numbers. Answer is 285. हम इसमें अज्यूम कर लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 100, फिर उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस प्राइस निकालेंगे एंड देन वी कैन अप्लाई लाइक यूनिटरी मेथड. नाउ एग्जांपल 6. 25% ऑफ द टीचर्स इन अ स्कूल आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ मेल टीचर इज 51. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल. सो लेट द नंबर ऑफ टीचर बी x. 25% फीमेल्स हैं और नंबर ऑफ मेल्स, अब देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर गिवन है और नंबर ऑफ मेल टीचर गिवन है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ मेल टीचर. तो 25% फीमेल है तो आपके पास मेल कितने आ जाएंगे, 100 माइनस 25 यानी 75% मेल. तो 75% ऑफ एक्स, 75% टोटल इज x, 75% ऑफ x इक्वल्स टू 51. ये इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे. सो x इज 68, यानी टोटल टीचर्स कितने हैं, 68. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी आर कमिंग टू एक्सरसाइज 8.4 बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू कैन ट्राई दीज वन. Like here, 10th question, Rohit scored 565 marks out of 650 and Raman scored 420 out of 500. Whose performance is better? हम क्या करेंगे, दोनों की परसेंटेज निकाल लेंगे. रोहित परसेंटेज क्या आएगी, 565 अपॉन 650 इंटू 100. 00 कैंसिल करेंगे. ओके, फिर 5 से कर देंगे. ओके, देन वी कैन फाइंड द परसेंटेज जो भी आएगा. देन वी विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ रमन और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे किसकी ज़्यादा परसेंटेज है, राइट. सो लाइक दिस. एंड नाउ 11th क्वेश्चन, लाइक द प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम ₹1,95,000 टू ₹2,10,600. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज. तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, जितनी इंक्रीज हुई वैल्यू दोनों का डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू दिस वन इंटू 100. सो लाइक दिस यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. लाइक हियर 17th क्वेश्चन, आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹16,000 रमन स्पेंड्स ₹10,400. सो वॉट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव. तो सेविंग कितनी है उसकी, तो क्या करेंगे, टोटल में से, टोटल इनकम में जितना स्पेंड करता है दोनों को माइनस, दैट इज द सेविंग. ओके, फिर हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज. सो यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड द परसेंटेज. सो सेविंग, जितनी भी सेविंग आएगी अपॉन टोटल सैलरी इंटू 100. Okay, so like this, you can try remaining parts. Now we are coming to profit and loss.
The words profit and loss are used very frequently in the field of business. Business ke field mein profit and loss, these are very popular words. In our day-to-day life, we purchase goods from various shops. The shopkeeper purchases these goods either from wholesaler or directly from the manufacturers by paying a certain price. The price at which the shopkeeper purchases the goods is called the CP. And the price at which the shopkeeper sells the goods is called the SP. जब हम मार्केट जाते हैं, हम कुछ परचेज करते हैं शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर जो हमें जिस प्राइस पे दे रहा है वो उसका सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर के लिए. लेकिन शॉपकीपर ने कहीं और से लाके वो आइटम हमें सेल की है, तो शॉपकीपर ने जितना पे किया है दैट इज़ द सीपी. जितने में ख़रीदा है दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस, जितने में उसको सेल किया है, जितने में उसको बेचा है दैट इज़ द सेलिंग प्राइस SP. ओके, सो प्रॉफिट, देखो एवरी वन वॉन्ट्स टू अर्न प्रॉफिट. कोई भी शॉपकीपर है वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो, यानी मेरे को ज़्यादा अर्निंग हो. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सपोज उसने एक आइटम 100 रुपीज़ में ख़रीदी है और उसको ही इज़ सेलिंग एट ₹150, तो इट मीन्स ही इज़ गेनिंग 50 रुपीज़ मोर, तो उसका क्या है, प्रॉफिट. लॉस कब है, सपोज उसने 100 में ख़रीदा है और उसको वो 80 रुपीज़ में सेल कर रहा है, यानी क्या है, उसे 20 रुपीज़ कम मिले, यानी उसका लॉस कितना हुआ, 20 रुपीज़. तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमारा SP और CP पे डिपेंड करता है. सो प्रॉफिट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द CP, देन द शॉपकीपर अर्न्स अ गेन और प्रॉफिट. यानी इफ SP इज मोर देन CP, प्रॉफिट इज SP माइनस CP. लॉस, if the selling price is less than the CP, then the shopkeeper suffers a loss, yani CP minus SP. Now overhead charges, usually before selling the goods a shopkeeper has to spend money in addition to the price at which he buys them. For example, money spent on transporting goods to his shop or money paid for maintaining the goods in proper order. Such additional expenses are called overhead expenses. जो ऊपर के खर्चे हैं, like he is buying pile of books or notebooks, तो उसको लाने में वो भी खर्चा वो भी करना पड़ेगा. He has to spend the money. फिर उसको arrange करना है proper maintenance में, तो वो भी एक उसे money spend करनी पड़ेगी. That is also expenses. So these are what? These are overhead charges, जो ऊपर के खर्चे हैं, right? So these expenses are added to the price at which goods were purchased. The total is then taken as the effective cost price. Suppose उसने 100 रुपीज़ में कोई आइटम परचेज की है और उसे लाने ले जाने में 20 रुपीज़ ही इज स्पेंडिंग, इट मीन्स 100 + 20 उसका खर्चा हुआ, राइट? तो वो उसको अब जब सेल करेगा तो उसको वो 120 से ज़्यादा में करेगा. फाइन, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो रियल कॉस्ट प्राइस इज प्राइस एट विच गुड्स परचेज प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस. नाउ बी श्योर प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू CP, और प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP. अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट की. ये हमेशा हम CP पे कैलकुलेट करते हैं. सो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100, और लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP इनटू 100. अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंट हुआ है तो हम SP कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हम SP कैसे फाइंड कर सकते हैं, CP इनटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, और CP इक्वल्स टू SP इनटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट. आप सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न कर लें, देन यू कैन गेट द अदर फॉर्मूला. SP क्या है, CP इनटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, और अगर हमें CP निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, SP इनटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट. ऐसे अगर हमें लॉस परसेंट गिवन है तो हम SP कैसे निकालेंगे, CP इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100.
गेन परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट में 100 प्लस गेन परसेंट, लॉस में 100 माइनस लॉस परसेंट. एंड सीपी इज एसपी इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. सो देर आर सम फॉर्मूलाज यू हैव टू कीप इन माइंड. सो नाउ लेट अस ट्राई सम एग्जांपल्स. एग्जांपल वन, By selling a table for ₹360, a trader lost 10%. Find the CP. So SP of the table, ₹360, loss is 10%. हमें क्या find करना है? CP. तो CP का formula क्या है? SP into 100 upon 100 minus loss percent. We can substitute the value. So we are getting 360 into 100 upon 100 minus 10. तो हम calculate कर लेंगे. Answer is 400. Now example 2. An article is sold for ₹450. Profit is 20%. Find the CP. अब profit percent है और हमारे पास SP है. SP कितना है हमारे पास? आप direct कर दें चाहे. SP कितना है? 450. प्रॉफिट परसेंटेज 20%. हमें फाइंड करना है सीपी. हम डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे ऊपर लगाया है, एसपी इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इससे भी फाइंड कर सकते हैं. और हम कैसे कर सकते हैं? लेट द सीपी इज 100. मान लेते हैं सीपी 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो एसपी कितना हो गया? 120. अब हम लगा देंगे, इफ एस पी इज 120 देन सी पी इज 100. इफ एस पी इज 1, सी पी इज 100 अपॉन 120. एंड इफ एस पी इज 450 मल्टीप्लाई बाय 450, तो आंसर इज 375. चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, चाहे आप इस मेथड से करें, बोथ आर करेक्ट एज यू विश. Now example 3, a grocer buys wheat at ₹540 per quintal. At what price per kg must he sell so as to gain 25%? तो CP है 540, gain है 25%. तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें SP find कर लेते हैं 1 quintal का. According to formula, we can substitute the value. SP of 1 क्विंटल यानी 100 kg कितना आ जाएगा? ₹675. हमें निकालना है SP of 1 kg. तो SP of 1 kg is 675 divide by 100 यानी ₹6.75. Now fourth question, Amit bought 3600 bananas at ₹16 a dozen. ₹16 a dozen का मतलब क्या है कि एक dozen bananas की cost है ₹16, यानी 12 bananas की cost है ₹16. And sold 1850 of them at ₹442 and remaining at ₹845. Find the profit or loss percent. This is a quite difficult और थोड़ा सा tricky question है, थोड़ा आपको इसमें सोचना पड़ेगा. उसने क्या किया, 3600 बनानास लिए और कॉस्ट क्या थी? 12 बनानास की ₹16. तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सीपी ऑफ 3600 बनानास. सो सीपी ऑफ 12 बनानास ₹16, सीपी ऑफ 1 16 अपॉन 12, सीपी ऑफ 3600 ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई बाय 3600, कैलकुलेट करेंगे 4800. ये तो आ गया हमारा सीपी. अब हम आते हैं एसपी पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो उसके लिए हमें सीपी और एसपी दोनों पता होने चाहिए, तभी हम कंपैरिजन करेंगे. नाउ इट इज गिवन ही सोल्ड 1850 ऑफ देम एट ₹442, यानी 2 बनानास का एसपी कितना है? ₹4. तो 1 बनाना का ₹2 और कितने बनानास है? 1850. तो एसपी ऑफ 1850 बनानास 3700. अब कितने बच गए बनाना? रिमेनिंग बनानास 3600 माइनस 1850, 1750 बनानास रिमेनिंग, जो उसने कैसे सेल किए हैं? ₹8 पे 5 बनानास. तो एस पी ओ 5 बनानास ₹8, एस पी ओ 1
8/5 SP of 1750, that is 2800. तो हम निकाल लेंगे टोटल SP. तो हमारा टोटल SP क्या आएगा, 3700 प्लस 2800 यानी 6500. CP था हमारा 4800 और SP है 6500. सो SP इज ग्रेटर, सो प्रॉफिट माइनस कर दो तो 1700 प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100. पुट द वैल्यूज, यू कैन गेट प्रॉफिट परसेंट दैट इज 35.4%. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एग्जाम्पल 5. अ मैन बाइज 80 पेन्स एट रुपीज 10 पर पेन एंड सेल्स 50 पेन्स एट रुपीज 12 पर पेन एंड रिमेनिंग 30 पेन्स एट द रेट रुपीज 9 पर पेन. सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड द गेन और लॉस. तो पहले हम टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल एसपी निकालेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. एक पेन का सीपी है 10 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ 80 पेन्स कितने हो जाएंगे, 80 × 10 800. तो सीपी कितना आ गया, 800. नाउ एसपी ऑफ 50 पेन्स, एक पेन का एसपी है 12 रुपीज. तो 50 पेन्स का 12 × 50 600. रिमेनिंग पेन्स कितने बचे, 30. 30 पेन का एसपी क्या आएगा, 30 × 9 270. दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एसपी कितना आ जाएगा हमारा, 600 प्लस 270 870. तो सीपी 800 है, एसपी 870 है. एसपी इज बिगर तो प्रॉफिट होगा, दैट इज 70 रुपीज. प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, दैट इज 70. तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आंसर इज 8 whole 3/4%. नाउ कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स. परसेंट मीन्स पर 100. प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100. लॉस परसेंट मीन्स लॉस अपॉन सीपी इनटू 100. सो नाउ एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, इफ प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. एंड एसपी इफ लॉस परसेंट इज गिवन, एसपी इक्वल्स टू सीपी इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. ऐसे ही सीपी हम कैसे निकालेंगे, एसपी इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इफ प्रॉफिट इज गिवन एंड इफ लॉस परसेंट इज गिवन, देन एसपी इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. नाउ एक्सरसाइज 8.5 बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन ट्राई दीज वन. लाइक हियर फोर्थ क्वेश्चन, अ फैन कॉस्ट रुपीज 670 एंड रुपीज 45 इज स्पेंट ऑन द रिपेयर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओवरहेड चार्जेस. तो हम क्या करेंगे, टोटल सीपी फाइंड करेंगे. ओके, एंड इट इज देन सोल्ड फॉर 880, व्हाट इज गेन परसेंट. तो हम पहले टोटल सीपी फाइंड कर लेंगे. सीपी इज 670 प्लस 45 यानी 750 और एसपी हमें दे रखा है 880. तो प्रॉफिट है, दोनों को माइनस कर देंगे, देन प्रॉफिट परसेंट. ओके, सिमिलरली सम क्वेश्चन गिवन, यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चन, राइट. नाउ वी आर कमिंग टू सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है. सपोज अभी आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी का अकाउंट होता है बैंक में. एक बैंक में हमारी मनी सेफ है, हम अपने पैसे अपनी मनी डिपॉजिट करा सकते हैं. और द सेकेंड थिंग, बैंक हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी देता है. सपोज मैंने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए और कुछ टाइम बाद आई एम गेटिंग 1200 रुपीज. तो 1200 इज़ वॉट, 1200 मुझे वापस मिल गए यानी मुझे प्रॉफिट हुआ. आई हैव जस्ट गिवन 1000 और 200 एक्स्ट्रा आ गए,
जो 200 एक्स्ट्रा मनी मुझे मिली है वो बैंक से मिली है, दैट इज द इंटरेस्ट, बिकॉज बैंक इज यूजिंग माय मनी फॉर सम पर्पस. तो मुझे जो 200 अमाउंट मिला है, 200 मनी मिली है, दैट इज द इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा मनी. ओके, ऐसे ही आप लोग देखते हैं कुछ लोगों का बिजनेस ही यही है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी वो फाइनेंस करते हैं, किसी को कुछ मनी बोरो करनी है, लाइक कोई घर में वेडिंग है, कुछ है, कुछ हाउस परचेज करना है, कार परचेज करनी है, देन वी कैन बोरो मनी फ्रॉम समबडी एल्स. सपोज मैंने किसी से 5,000 रुपीज लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, देन आफ्टर सम टाइम आई एम रिटर्निंग 5,500, यानी आई एम पेइंग 500 एक्स्ट्रा. That 500 is the interest. Okay, so let us understand. Suppose Arvind deposited rupees 6,000 in a bank. After 1 year, he found that he has 6,500 rupees in his account. So we could notice that the bank paid rupees 500 extra for using his deposited money. Thus, the money borrowed or deposited in a bank is called the principal. And the extra money the bank takes or gives you on the principal is called the interest. And total of principal and the interest is called the amount. जो हम money deposit करते हैं that is the principal. जो हमें extra मिल रहा है that is the interest. और principal और interest को मिला के जो हमें मिलेगा that is the amount. 6,000 deposit किए this is principal. 500 एक्स्ट्रा मिले दिस इज इंटरेस्ट. 6,500 बन गए दिस इज अमाउंट, यानी जो अमाउंट है दैट इज पी प्लस आई, अमाउंट इन दोनों से ही बड़ा होगा, राइट. सो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एज आई टोल्ड यू. नाउ रेट परसेंट, वॉट इज रेट परसेंट? इंटरेस्ट इज यूजली कैलकुलेटेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस ऑन द प्रिंसिपल विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ द प्रिंसिपल बोरोड. जो हम कैलकुलेशन देखते हैं, हमें जो बैंक पे कर रहा है, सपोज बैंक में हमने 10,000 डिपॉजिट किए, आफ्टर सम टाइम वी आर गेटिंग 3,000, 10,000 प्लस 3,000, तो वो जो 3,000 है वो कुछ कैलकुलेशन पे है. लाइक बैंक इज गिविंग अस 5%, यानी 100 रुपीज के ऊपर 5 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी 105 मिलेंगे हमें, राइट. अगर हम 200 करेंगे तो हमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, 210. तो ऐसे ही परसेंटेज मीन्स आर परसेंट, रेट परसेंट. इफ दिस रेट परसेंट इज कैलकुलेटेड फॉर अ ईयर इट इज कॉल्ड द रेट परसेंट पर ईयर और रेट परसेंट पर एनम. जो कैलकुलेशन होती है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अकॉर्डिंग होती है पर ईयर, इसलिए हम इसे बोलते हैं रेट परसेंट पर ईयर. सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, यानी 100 रुपीज़ पे हमें कितने मिलेंगे, 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा. रेट ऑफ परसेंट 8% है, यानी 100 रुपीज़ पे हमें 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी जितना ज़्यादा रेट होगा हमें उतना बेनिफिट होगा, राइट. तो ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है. एक होता है फिक्स डिपॉजिट, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है. नाउ इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड इट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट. इफ पी इज द प्रिंसिपल, आर इज द रेट एंड टी इज द टाइम नंबर ऑफ ईयर्स, देन द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज P into R into T by 100. क्योंकि जो हम रेट लेते हैं वो हम परसेंटेज में, रेट परसेंट, तो क्या बन जाता है R by 100. इसलिए फॉर्मूला में क्या आ गया, P into R into T by 100. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट क्या बन जाएगा, P plus सिंपल इंटरेस्ट. अभी आप क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1. At what rate will rupees 2500 fetch an interest of rupees 300 in 4 years? और एक बात और, हमेशा जो principal है वही produce करेगा interest को. जैसे 2500 fetch an interest, इसका मतलब क्या है, this is the principal, this is the interest. और हमें क्या निकालना है, इसमें rate निकालना है. We know P
2500, इंटरेस्ट 300, टाइम 4 ईयर. फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, SI इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100. ओके, और यहाँ से R अगर हमें फाइंड करना है तो R क्या बन जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर इज 3% पर एनम. नाउ एग्जांपल 2, फाइंड द प्रिंसिपल विच विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 325 एट दिस रेट इन 8 होल 1/3 ईयर्स. अब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, इंटरेस्ट इज गिवन. तो इंटरेस्ट 325, रेट इज 13/3%, टाइम इज 25/3 ईयर्स. तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारा, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज, कैलकुलेट करेंगे, आंसर इज 900. तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास, 900. ओके, नाउ एग्जांपल 3, अ मैन बोरोड रुपीज 5500 फ्रॉम अ बैंक एट 12% पर एनम ऑन 30th May 2015. हाउ मच मनी डिड ही गिव टू द बैंक टू सेटल द अकाउंट ऑन 11th August 2015. सो हेयर वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज द डिपोजिटेड डे इज इग्नोर्ड बट वी काउंट द डे ऑफ विड्रॉल एंड कंसिडर 365 डेज अ ईयर. अब इसमें जो टाइम है वो ईयर्स में नहीं गिवन, इसमें हमें डेज का गिवन है कि 30th May को हमने बैंक से बोरो किया और 11th August तक. तो जो स्टार्टिंग डे है वो काउंट नहीं होगा, राइट? तो मई में 31 डेज होते हैं, तो मई का कितने डे काउंट होंगे, 1. ओके, फिर मई के बाद जून, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 होते हैं, एंड अगस्त में 11 तक, तो लास्ट डे विल बी काउंटेड, तो 11. तो हम क्या करेंगे, टोटल इन सब का सम कर देंगे, नंबर ऑफ डेज. सो टोटल डेज 73. हमें टाइम निकालना है ईयर्स में, यू नो वन ईयर में 365 डेज होते हैं, तो हम डेज को चेंज करेंगे ईयर्स में. ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 ईयर. अब आपके पास रेट है, टाइम है और पी है. ओके, तो हमें क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट इंटरेस्ट. ओके, बिकॉज हियर हाउ मच मनी, इट मींस अमाउंट निकालना है. तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट, पुट द वैल्यूज, 132 यू विल गेट, अमाउंट इज पी प्लस आई रुपीज 5632. नाउ एक्सरसाइज 8.6, लाइक हियर यू कैन डू थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1600 फॉर 36 मंथ्स एट 4% पर एनम. तो व्हाट इज पी, पी इज 1600, टाइम इज 36 मंथ, इसको हम चेंज कर देंगे ईयर्स में, 36/12 यानी 3 ईयर्स, एंड रेट इज 4%. तो आप SI निकाल लेंगे, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1600 इंटू 3 इंटू 4/100. तो आंसर इज, दैट इज द इंटरेस्ट. ओके, अब इसमें आपके पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम निकालना है. रुपीज 750 अमाउंट 2, यानी ये P हमेशा प्रिंसिपल चेंज होगा अमाउंट में, तो P हमारा क्या है, 750, अमाउंट कितना है हमारा, 900. तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 150. तो इंटरेस्ट हमारे पास है, रेट है और P है, तो टाइम क्या आएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R. Substitute the value, 150 into 100 upon 750 into 4. Cut कर देंगे values,
So this is 5 years. Okay, similarly you can go through the other question, you can try these one. So I hope this chapter is clear to you. Any doubt, we can discuss it later on. Now we are coming to MCQs. Take the correct option, like the first one. 6% is equal to what fraction? That is 6/100. Aap cut kar sakte hain, 3/50. So C part. Second, 0.75 is equivalent to, remove decimal, 75/100. Cut kar do 25 se, 3/4. So A part. Now third one, 20% of 155, yani 20/100, percent is remove karenge. To ye kya aayega aapke paas, 31 B. Okay, I hope this is clear to you. Similarly, fourth, a machine is purchased for ₹64,500 and sold for ₹70,000. What is the gain percent? तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यू विल फाइंड प्रॉफिट एंड देन प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड्स ₹1800 पर मंथ एंड सेव्स 25% ऑफ द इनकम. अब हमें सेविंग गिवन है परसेंटेज में और स्पेंड जो गिवन है वो मनी में है. हमें मंथली इनकम फाइंड करनी है. So saving is 25%, it means he spends 75% of total and that is 1800. तो आप यहाँ से x find कर लेंगे. Okay, now the sixth one, what is 100% of 80? तो 100/100, that is 80. Answer is C. Now the seventh one, the simplest form of this ratio, ये क्या आएगा, 7/2 is 2. 21/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 7:21 यानी 1:3, बी पार्ट. एट, वॉट इज 7:10 इक्वल टू इन परसेंट, 7:10, 7/10 को परसेंट मिलाना है, दैट इज 70%. नाउ द नाइन्थ, अ मशीन इज परचेज ₹7,000 एंड सोल्ड फॉर ₹6,300. तो सीपी ज्यादा है तो कितना लॉस हुआ, लॉस इज 700. सो फाइंड द लॉस परसेंट, यानी लॉस अपॉन सीपी इन 200, तो दैट इज 10%, ए पार्ट. नाउ द टेंथ, गेन और लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, राइट. आई होप दीज आर क्लियर टू यू. Now here's technology integration, critical thinking, life skills, some question given. So you can try these one on your own. Some mental maths given also, assertion and reasoning is also given over here. And some comprehension exercises there. So I hope this chapter is clear to you. Go through the chapter, any problem, then we can discuss it. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.